तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे सभी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। नमस्कार भाइयों, मैं शिवनी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो है वीडियो काफ़ी दिन बाद अपलोड हो रही है यार, उसके लिए दिल से सॉरी आप सभी को। अब यार क्या करूँ, कुछ काम ही कुछ ऐसा है कि रेगुलर वीडियो नहीं दे पाता, उसके लिए मैं आपको दिल से सॉरी बोलता हूँ। फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियो दे सकूँ। आज जो है भाई एक न्यू फ़ोन आया हमारे पास, अभी मैं घर ही था तो मॉर्निंग में एक कस्टमर मेरे को दे के गया। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका हमें जो है चार्जिंग कनेक्टर जो है हमें चेंज करना है। आप सोचोगे इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, और इसमें खैर कोई बड़ी बात है भी नहीं, इसे तो सब ऑलमोस्ट करना ही चाहते हैं। पर इस सेट में मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ बेसिकली, कि इसमें बहुत से मुझे कमेंट ऐसे मिले कि जो है सर आप ये बताइए कि जो इस तरह के सैमसंग के मोबाइल है, जो ए सीरीज हुआ या फिर ये प्राइम वाली सीरीज हुई, जो ऊपर की साइड से खुलते हैं और ऊपर की साइड से खुलते हैं, उन्हें मतलब कैसे इजीली खोल ले। कई बार ऐसा हुआ मुझे, मेरे कई मतलब जो सब्सक्राइबर हैं मेरे को मैसेज करते रहते हैं, जब वो ऊपर से उन्हें खोलना चाहते हैं उन्हें सही टेक्निक का पता नहीं होता और वो टूट जाती है, और उसमें लेने के बजाय उन्हें देने पड़ जाते हैं। फिर तो इसमें बेसिकली है क्या, जैक का तो एक नाम है, जैक तो नॉर्मली कोई भी जैक चेंज कर लेता है। बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि इसे हम डिसेंबल कैसे करेंगे, जो जो इस तरह के मोबाइल है जैसे कि ए सीरीज के हुए सैमसंग, जो ऊपर से इनका फोल्डर उतारना पड़ता है पहले, फिर उसके नीचे से फिर वो खुलते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इस मोबाइल में कैसे हम इस चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करेंगे, और जो मेन बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो यही है कि इसे हम डिसेंबल कैसे करेंगे, कितने टेम्परेचर पे फिर ये इसका फोल्डर ऊपर से उतरता है, जिससे कि आपको फिर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि उन पर टूट जाता है, बहुत से हमारे जो नए भाई हैं नए टेक्नीशियन हैं उन पर ये उतारते हुए टूट जाता है। तो ये मेरा बनाने का पर्पज़ था। फिलहाल तो जो है मैं घर हूँ, अब मार्केट जाऊँगा, कोशिश करूँगा आपको मार्केट में दिखा दूँ जहाँ से मैं लूँगा कि क्या कुछ है यहाँ की मार्केट कैसी है, और फिर शॉप पे जाके हम इसे डिसेंबल करेंगे, बाकी की वीडियो मैं वहीं पे बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो भाइयों फ़िलहाल आ गया हूँ मैं शॉप पे, और उसके लिए सॉरी यार मैं आप सभी को दिखा नहीं पाया मार्केट के वीडियो, मार्केट में किसी दिन बनाऊंगा उसके ऊपर भी वीडियो यहाँ की मार्केट कैसी है कैसी नहीं। ये रहा मोबाइल भाई, जे फाइव प्राइम है, इसका चार्जिंग कनेक्टर है और ये इसके वो है चार्जिंग कनेक्टर, ये देख लीजिए आप, पता ही होगा आपको रेट कितने के मिलते हैं कितने के नहीं। मेन इसमें दिखाना मेरे को आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया यही था कि इसको हम मतलब डिसेंबल कैसे करेंगे। बहुत से भाइयों को यह था ना कि मतलब जो इस तरह के मोबाइल आते हैं जो ऊपर से खुलते हैं जिनका फोल्ड उतारना पड़ता है पहले, तो उन्हें कैसे डिसेंबल करेंगे। बाकी जो ये चार्जिंग कनेक्टर इसे तो बेसिकली कोई भी डाल ही लेता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसे डिसेंबल करेंगे। सबसे पहला जो इसमें काम है भाई हमको करना है, जैसे हमारी SMD है तो इसमें से जो है ये तो हमें उतार देना है इसका फ्रंट पैनल, क्योंकि अगर हम इसे लगा के इस पर हीट देंगे पूरे पे तो एक जगह पे फोकस करेगा, तो इसलिए पहले हमें इसे उतार देना पड़ेगा इसके पैनल को, क्योंकि ये जो है यहाँ से भी सारा चिपका हुआ होता है, यहाँ से भी यहाँ से भी। और इसका जो आपको टेम्परेचर का अगर मैं बताऊँ, एयर इसमें आप रख लीजिएगा, एयर इसमें 5 रख लीजिएगा आप, 5 तक बहुत है, और टेम्परेचर जो रखे हो 300 मैक्सिमम, 300 से ज़्यादा मत रखे, अगर 300 से आप ज़्यादा रखोगे तो उसमें आपके डिस्प्ले फिर ख़राब हो सकती है। तो चलिए पहले मैं इसका पैनल उतार लेता हूँ ये इस SMD का, उसके बाद फिर हम इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे जो दोस्तों मैंने जो है इस SMD का उतार लिया ऊपर से पैनल, ये उतारना ज़रूरी था क्योंकि अगर हम इससे करते ना तो फिर इससे प्रॉब्लम हमको ये आती कि एक जगह पे वो हीट फोकस कर दी, मतलब एक जगह पे हीट होता हो, और हमें जो करना है कि इससे जो है टोटल सारे पे हीट हमें देनी पड़ी। अब बेसिकली हमें करना क्या, मैंने आपको बता दिया आपको टेम्परेचर कितना रखना है और एयर कितनी रखनी है। अब जो बस हमें क्या है कि पहले तो इसको हम हीट दें कम से कम 2-4 मिनट अच्छे तरीके से हीट करेंगे सारे को, उसके बाद जो है फिर मैं आगे का आपको प्रोसेस बताता हूँ। पहले हम इसे हीट करते हैं, SMD जो है चल चुकी है अगर आपको दिख रहा हो, और अब हम इसे करेंगे हीट। हीट में ध्यान देना है आपको, एक जगह हीट बिल्कुल नहीं मारनी, एक जगह मारोगे तो ख़राब हो जाएगा, फिर आप मेरे को मत बोलना कमेंट में लिख के, एक जगह बिल्कुल नहीं आपको हीट मारनी है, ऐसे आपको करते रहना है। लगभग 2-4 मिनट तक आप करें इसको, फिर जो इसके नीचे का जो ग्लू होता है वो आराम से वो हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा वो, फिर आराम से हम इसको उतार लेंगे। अभी चलो 2-4 मिनट में इसको कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके बाद का क्या प्रोसेस है क्या नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड जो देखे मैंने इसको हीट तो काफ़ी कर लिया, मतलब 2-4 मिनट हो गया, और अगर आपको यहाँ देख पा रहे हो तो ये जो है यहाँ से अपने आप ही उतरना स्टार्ट भी हो गया है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। अब जो है हमें एक चाहिए, एक्चुअली क्या है कि मैं जो एक हाथ से मतलब वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो मैं आपको और भी अच्छी तरीके से दिखाता। अब हमको एक
पतली सी स्ट्रिप चाहिए जिससे कि हम निकाल लें। कोई आप हार्ड मत लेना लाइक चिमटी टाइप, नहीं तो टूट जाएगा वो। कोई पतली सी हमें स्ट्रिप चाहिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल तो मेरे पास वो नहीं है, पर फ़िलहाल मैं इससे काम चला लूँगा। लेकिन आप इससे मत करना, क्योंकि इससे अगर आप करोगे ना उतारोगे इसको, तो इसमें मतलब टूटने का खतरा है। फिलहाल वो मेरी पता नहीं वो स्ट्रिप कहाँ पे पड़ी है, कहाँ पे वो मेरे को मिल नहीं पाई, तो फिलहाल मैं इससे करूँगा इसको। लेकिन ध्यान रहे आपको जोर बिल्कुल नहीं देना इस पर, जोर दबाव बिल्कुल नहीं डालना, ये अपने आप उतरेगा बहुत ही आराम से। इतनी हीट आपको इस पर करनी है, साइड से उतारेंगे हम इसको। और मैं फिलहाल मतलब इससे मुझे वो काम चलाना पड़ रहा है, मैं बहुत आराम से करूँगा। पर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता इससे मत करना, नहीं तो यह कट भी सकता है आपका, टूट भी सकता है। इसके लिए एक अलग से आती है, वो एक स्ट्रिप प्लास्टिक की होती है, वो उससे कर सकते हो आप। वो फिलहाल मेरी पता नहीं कहाँ है, कहाँ पड़ी है, मेरे को मिल नहीं पाई फिलहाल, तो इससे मेरे को काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल मैं करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए भाइयों, जो है हमने इसको डिसेंबल कर लिया है, किया है बड़ा सेफली। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है ना, ये एक डुप्लीकेट फोल्डर उसने मतलब कस्टमर ने डलवा रखा था। ये देखिए भाइयों, ये जो है हमने निकाल लिया इसका फोल्डर। ये जो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा अपने सभी टेक्नीशियन भाइयों को, अगर किसी आपके पास कोई ऐसा काम आता है ना जिसमें आपको ऐसा ऊपर से उतारनी हो, तो उसमें जो है आपको कस्टमर से जो है ज़्यादा पैसे लेने चाहिए। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो है भाई रिस्क होता है ऊपर से उतारने का। किसी वजह से अगर टूट जाती है आपसे, कुछ भी हो जाता है, तो मतलब वो आप ही के गले पड़ जाएगी फिर। तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी मांग लें, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर भाई 200 रुपये में, जब मैंने इससे 200 रुपये लिए जैक डालने के, तो मतलब आप ज़्यादा ले, मतलब ये तो मेरे एक जानने वाले का ही फ़ोन था, नहीं तो इस तरह के फ़ोन में कम से कम 500 रुपये ले जाते हैं डालने के। तो मतलब ज़्यादा नहीं, अगर इस तरह का कोई चीज़ है जिसमें आपको लग रहा है कि रिस्क है उसमें। अब चलो ये जो है हमने अलग कर लिया, अलग मैंने आपको बताया दिया किस तरीके से, क्या पहले सारे को मैंने हीट किया, और फिर जो है मैंने इसको हल्का हल्का सा साइडों से उठा दिया ऐसे ऐसे करके। हीट मैंने इसको प्रॉपर दी। अगर आपको हीट नहीं दोगे तो पक्का 100% टूट जाएगा। हीट पर इतनी भी आपको नहीं देनी कि जो मतलब एक ही जगह पे आप हीट कर दो तो सारी वो डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी, उसमें फिर वहाँ पे धब्बा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको हीट देनी है पूरे बोर्ड पर, इस तरीके से पूरे बोर्ड पर। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया 300 तक मैक्सिमम आप रख सकते हो, इतने भी डिस्प्ले ख़राब नहीं होगी आपके। अब चलो इसका जो है हम ये चार्जिंग कनेक्टर बदलेंगे। इसमें यहाँ पे जो है स्क्रू दे रखे हैं सारे, वो सब हम अभी इन्हें निकाल लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। और एक बात जो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें थोड़ा मेरे को सेफली, इसलिए इसमें मुझे काफ़ी सेफली काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें आप, इसमें एक इसमें जो कस्टमर ने है ना पहले मतलब ऑलरेडी इसमें एक डुप्लीकेट फोल्डर डलाया हुआ था, तो इसके तो टूटने के और भी ज़्यादा चांसेस है। तो मतलब ये बहुत ही सेफली आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास भी कोई ऐसा सीन ऐसा केस आता है। तो अब देखते हैं हम इसे डिसेंबल कर लेते हैं सारे को, उसके बाद फिर इसका चार्जिंग कनेक्टर चेंज करेंगे हम। तो भाई यहाँ पे पूरे फ़ोन को जो है मैंने डिसेंबल कर लिया है। अब हमें बस क्या करना है, इसके बोर्ड को अलग कर देना है इसकी बॉडी से, उसके बाद जो है फिर हम इजीली इसके कनेक्टर को चेंज कर पाएंगे। सबसे पहले इसके बेल्ट वगैरह ये जो है उतार लीजिए, RF केबल ऐसे भी उतार लीजिए। चलो मैं इसके बोर्ड को अलग कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए भाइयों, अगर आप देख पा रहे हो इसमें जो है काफ़ी कार्बन वगैरह भी आ रखा है, काफ़ी मतलब डस्ट वगैरह काफ़ी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसे निकाल देंगे और न्यू वाला इसमें लगाएंगे। निकालने के लिए जो है पहले तो बेसिकली ये तो चीज़ें आपको पता ही है, इतना तो मैं जानता हूँ, इतनी तो बातें तो मेरे सब्सक्राइबर को पता ही है ये सब करना, फिर मैं बता देता हूँ। अरे यार एक हाथ से मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरी बात ये यार जब घर पे होता हूँ तो मैं बना भी लेता हूँ एक। घर पे मेरे पास ट्राईपॉड है, पर यहाँ शॉप पे ट्राईपॉड नहीं है, तो इस वजह से एक हाथ से मेरे को काम करना पड़ रहा है। एक सेकेंड रुको, अभी दिखाता हूँ। इसे निकालने के लिए फ्रेंड सबसे पहले जो है हम इस पर लगा लेंगे फ्लक्स, लगा लेंगे अच्छा सा, ताकि ईजिली फिर निकल जाए। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, आप अगर SMD से ऐसे लगाओगे ना, हीट दोगे ऐसे करोगे, तो फिर जो है इसके प्रिंट निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लगाना ज़रूरी है, इसमें आप जैसी भी कंजूसी ना करें। अब SMD की हेल्प से जो है हम इसको उतार लेंगे, दिखाता हूँ चलो आपको कैसे करता हूँ मैं इसको।
तो ये देखे फ्रेंड्स, निकाल लिया मैंने, और इसमें जो है मतलब कोई प्रिंट भी इसके सारे सेफ हैं, कोई भी प्रिंट इसे मिस नहीं हुआ। अगर आप देख पा रहे हो तो सारे प्रिंट एकदम सेफ है। अब हम दूसरे वाला चार्जिंग कनेक्ट कर लेंगे और वो यहाँ पे लगाएंगे। ये दूसरे वाले जो हम अभी मार्केट से लेके आए थे, वो वाले चार्जिंग कनेक्टर हैं। इसको लगाने से पहले फ्रेंड्स आप जो है ना एक काम कर लीजिएगा, जो इसके अगर आपको ये प्रिंट दिखाई दे रहे हो, इन पे हल्का हल्का सा पेस्ट लगा के ना सोल्डिंग कर देना। उससे फ़ायदा आपको ये होगा, जब आप यहाँ बोर्ड पे इसको पेस्ट करोगे ना, तो ये बहुत ही ईजिली मतलब यहाँ से अपनी पकड़ बना लेगा। अगर आप इसे ऐसे लगा दोगे ना तो सही इसकी पकड़ बन नहीं पाएगी, वो प्रॉपर काम भी नहीं करेगा। तो इस पर हल्का सा पेस्ट लगा के इसे हम सोल्डिंग कर देंगे इसकी। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, आपको जो है अगर आपको दिख पा रहा हो, ऐसे आपको इसकी सोल्डिंग कर लेनी है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि मतलब जब आप इसे यहाँ पे पेस्ट करोगे, यहाँ पे लगाओगे इसको, तो ये बहुत ही ईजिली अटैच हो जाएगा इसके जितने प्रिंट हैं। अगर आप इसको वैसे डायरेक्ट लगा देते तो फिर ये प्रॉब्लम करता, सही से इसके प्रिंट कई बार मैंने देखा है फिर कनेक्ट नहीं हो पाते। तो चलिए लगा लेते हैं इसको, देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखिए कितनी अच्छे तरीके से फिलहाल जो है ये पेस्ट हुआ है। यहाँ पे कोई भी प्रिंट इसका सॉर्ट नहीं हो पाया। अब देखो जो हमने स्टार्टिंग में वो सोल्डिंग की थी ना, उसका फ़ायदा हमको ये मिला। यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से लग भी गया है, कोई भी इसमें प्रिंट आपको सॉर्ट भी नहीं हुआ। अब चलो हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे भी देख लेते हैं। अब इसमें से पता कैसे चलेगा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फिलहाल जो है हम इसके बैंड कनेक्टर पे वोल्टेज देख लेंगे, अगर यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल जाएगी सही तो इसका मतलब सही है। बाकी तो इसको देख ही लेंगे हम डिस्प्ले लगा के। ये मैं लगा देता हूँ इसमें चार्जिंग कनेक्टर, और इसका जो बैंड कनेक्टर है वो ये रहा यहाँ पे, मल्टीमीटर ये रहा, और यहाँ पे जो है हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। और यहाँ पे देखे फ्रेंड, 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट हमें मिल गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है या जैक, वो जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा। अब जो है हम इसे असेंबल कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं, फिर असेंबल कर लेते हैं हम इसको। और एक बात जो भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मोबाइल अभी हम अगर इसे हम चार्जिंग पे भी लगाएंगे ना, तो मतलब ये ऑन नहीं होगा फिलहाल। ऑन ये क्यों नहीं होगा, इसकी जो बैटरी है अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी ये मैंने चेक किया, ये जो है इसकी वोल्टेज इसमें 0 है बिल्कुल। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल एकदम से जो है डिस्चार्ज हो रखी है। ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे देखिए कोई भी इसमें वोल्टेज कुछ भी नहीं है। तो अगर हम फिलहाल इसे चार्जिंग पे हम लगाएंगे तो चार्जिंग भी नहीं होगा, हमें लगेगा कि ये जो हमने चार्जिंग कनेक्टर लगाया है ख़राब है, बट ऐसा नहीं है। तो हम इसको जो है ना पावर सप्लाई से करेंगे इसे चार्ज। ये भी देख लेते हैं कैसे पावर सप्लाई से चार्ज होगी। पहले तो हम जो है इसके बोर्ड को इसमें असेंबल कर लेते हैं, बताऊंगा फिर मैं वो भी आपको कि पावर सप्लाई से कैसे होगी चार्ज। तो चलिए फ्रेंड्स, बताता हूँ आपको इसके जो ये बैटरी है बिल्कुल डिस्चार्ज हो रखी है, इससे हम कैसे चार्ज करेंगे डीसी पावर सप्लाई से। बहुत से मैंने अपने टेक्नीशियन भाइयों को देखा है कि उन्हें ऐसे दिख जाते हैं ना, मतलब नॉनिवल बैटरी उन्हें दिख जाती है, तो मतलब डर जाते हैं यार, मतलब पता नहीं है तो क्या है। अगर वो डिस्चार्ज हो, वो उठा के उन्हें बोल रहे हैं कस्टमर को कि भाई ये तो जो है आपको चेंज करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है यार, ये मतलब सही बैटरी है एकदम, बस जो है कि काफ़ी दिन से मोबाइल पड़ा होगा तो ये डिस्चार्ज हो रखी है। अब इसमें भी लोग बहुत परेशान रहते हैं कि इसमें हम कैसे इसे मतलब पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। इसमें कुछ नहीं है, देखो बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। इसे आप बोर्ड से कनेक्ट कर दो ऐसे। फिलहाल अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करूँ, ये इस साइड देखो आप, ये तो ग्राउंड है ही, ये देखो आप, ये तो ग्राउंड है ही इस साइड का पोर्शन, और ये जो है यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये है पॉजिटिव, और यहाँ जो फिलहाल इसमें कुछ ही वोल्टेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बस हमें सिंपली करना क्या है, एक तो जंपर हम ग्राउंड से ले लेंगे, और एक ये जो कैपेसिटर है इसकी पॉजिटिव साइड ही है और नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव जो बैटरी से अटैच है वहाँ से एक जंपर ले लेंगे। तो उस ये करते हैं हम, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ इसे डीसी पावर सप्लाई से कैसे कनेक्ट करेंगे।
तो ये देखो भाई आप, एक तो मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर ही लिया, ग्राउंड तो ग्राउंड है। और ये जो है यहाँ देखो, आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ये जो दो कैपेसिटर थे ना, एक ग्राउंड था और दूसरी साइड बैटरी के पॉजिटिव से था। तो एक जम्पर मैंने यहाँ से लिया, क्योंकि जो डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए था जोड़ने के लिए, तो हमने फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी वायर लगा दिए। और जो है अब हम क्या करेंगे, बस देखो ग्राउंड को तो ग्राउंड से कनेक्ट कर ही देंगे, ग्राउंड तो ग्राउंड से हो गया कनेक्ट, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से हो गए यहाँ पे कनेक्ट। अब आपने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है फिलहाल दिखा रहा, मतलब कि बैटरी की वोल्टेज पूरी लो है। अब हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे इसमें, और यहाँ देखिए इसने करंट लेना स्टार्ट कर दिया बैटरी ने। ये इसकी वोल्टेज है 3.0 अब तक इसमें वोल्ट हुए है, और इसे हमें लाना है ऑलमोस्ट लगभग इसे हम 3.7 या 3.8 के आसपास हमें इसकी वोल्टेज को लाना है, उसके बाद जो है फिर ये मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। तो ये ट्रिक थी इसको जो इस तरह की बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए, डीसी पावर सप्लाई से इस तरीके से आप उन्हें चार्ज कर सकते हो। तो चलो पहले इसको चार्ज होने देते हैं, इसकी वोल्टेज को होने देते हैं पहले पूरी 3.8 के लगभग, फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, मैंने हो गए से 10-15 मिनट तो हो ही गए होंगे, मैंने इसे सप्लाई पर लगा रखा था, और हम चेक करते हैं इस बैटरी की जो है पावर सप कितनी से वोल्टेज है इसकी भी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो 3.6 ऑन तो हो जाएगा मोबाइल इस पर, लेकिन अभी लो है, मतलब चार्जिंग ही अब हो जाएगा। तो अब हम इसको जो है असेंबल कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा जो चार्जिंग कनेक्ट हमने जो इसमें डाला वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सिंपल सी फ्रेंड ये ट्रिक थी, इस तरह के अगर आपके पास भी कोई बैटरी आती है जो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो, इस तरीके से आप उसे चार्ज कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि इसी वजह से मोबाइल ऑन नहीं होता है, हमें लगता है कि हमारा चार्जिंग कनेक्टर सही नहीं है, तो इन छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में मतलब रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।